इसका जो ब्लॉग रहने वाला है वो रहने वाला है HQ के ऊपर, क्योंकि यार सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और सभी के दिन अच्छे कट रहे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ एक न्यू व्लॉग लेकर काफ़ी लंबे टाइम बाद। सबसे पहले तो सॉरी, काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं आ रहे थे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था एडमिशन के काम से, तो अब मेरे को जाकर मौका मिला है व्लॉग बनाने का और अब मैं बैक टू बैक व्लॉग्स डालने वाला हूँ। तो आज का जो व्लॉग रहने वाला है वो रहने वाला है HPU के ऊपर, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ HPU और फाइनली मेरी HPU में एडमिशन हो चुकी है MSc केमिस्ट्री में, और एक ज़िंदगी की नई शुरुआत मैं वहाँ से करने जा रहा हूँ HPU से। तो आज मैं आपको बताऊंगा, पूरा कैंपस टूर करेंगे हम HPU का, और कैसा हमारा दिन रहता है HPU में वो भी आपको साथ बताएंगे। और फिलहाल अभी तो यहाँ पर बिल्कुल मेरे यहाँ पर ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, जो कि परौंठे सिंपल और उसके साथ मक्खन। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी करना है और टाइम इस टाइम पर 8:30 हो चुके हैं, 10 बजे से क्लासेस है और मैं थोड़ा सा लेट हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल। और फटाफट से कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और फिर मैं मिलता हूँ आपसे आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो फुल रेडी होकर मैं चल पड़ा हूँ यहाँ पर HPU की तरफ, और अभी यहाँ से आगे मेरे को बस भी लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा यहाँ से पैदल चलना पड़ता है, 10 मिनट का रास्ता है, और उसके बाद ऊपर से वहाँ से बस पकड़ूंगा मैं डायरेक्ट बालूगंज के लिए, और फिर उसके बाद वहाँ से जाना पड़ेगा पैदल से मरील। बिल्कुल यहाँ से सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो यहाँ पर पीछे की कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। तो वैसे यहाँ पर है तो डिस्टेंस बहुत कम, लेकिन चढ़ाई की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अब तो खैर आदत भी हो चुकी है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद चढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा सांस वगैरह फूल चुकी है मेरी। अभी थोड़े टाइम पहले ही मौसम साफ़ हुआ था और यहाँ पर देखो अब दोबारा से धुंध पड़ चुकी है और बारिश दोबारा लगने के आसार यहाँ पर दिख रहे हैं मेरे को, बस बारिश ना हो। पहुंच चुका हूं बालूगंज और अब मैंने स्टार्ट कर दिया है यहां से HPU यूनिवर्सिटी के लिए वॉक करना, और यहां पर इस तरह के लंगूर आपका स्वागत करते रहेंगे अगर आप HPU आओगे। यहां पर बहुत सारे लंगूर होते हैं क्योंकि ये पूरा ही फॉरेस्ट एरिया है यूनिवर्सिटी तक का, तो बीच में बहुत सारे लंगूर मिलते हैं, लेकिन ये बोलते कुछ नहीं, ऐसे आप साइड से चलते रहो तो ये आपको कुछ भी नहीं करेंगे। तो टाइम अभी 9:45 हो रहे हैं और 15 मिनट बाद मेरी क्लास है 10 बजे से लेकर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरा फर्स्ट डे है, लेकिन नहीं, आज मेरा सेकेंड डे है यूनिवर्सिटी का। कल मैं व्लॉग नहीं बना पाया था, उसके पीछे कुछ रीज़न थे, वो अब कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन आज है मेरा सेकंड डे। कल सिर्फ 5 बच्चे क्लास में आए थे MSc केमिस्ट्री के, और आज उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा आएंगे, लेकिन आज भी उतना ज़्यादा मतलब है नहीं। कल हमारी 3 क्लासेस हुई थी, तो आज भी चांसेस कम ही हैं कि क्लासेस पूरी लगेंगी, लेकिन जहाँ तक बोला है टीचर्स ने कि मंडे से प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, प्रॉपर प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाएंगे, और जो शेड्यूल रहने वाला है वो बहुत ही खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि टाइमिंग जो उन्होंने बताई है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो है 10 से 5, यानी 10 से 1:30 बजे तक मेरी क्लासेस होंगी, ठीक है। फिर वो 1:30 से 2 उन्होंने कुछ टाइम रखा है काउंसलिंग वगैरह का, और 2 से 2:30 लंच होगा, और उसके बाद 2:30 बजे से शाम को 5 बजे तक प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं।
तो ये जो 10 से 5 का पूरा टाइम पीरियड है, ये है मतलब हालत ख़राब करने वाला है। 9:43 पर मैं बालूगंज से चला था और अभी फ़िलहाल 46 समथिंग हो रहा है। तो मैं आपको टाइम भी बताऊंगा कि कितना पूरा पैदल उस पे वॉक पे मतलब टाइम लगता है यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए। लेकिन सब अलग अलग स्पीड से चलते हैं, तो मैं अपनी स्पीड से आपको आइडिया दे दूंगा कि मैं थोड़ा वैसे तेज़ ही चलता हूँ, तो आप उससे 1-2 मिनट एक्स्ट्रा समझ के चलो, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, आप पैदल आराम से आ सकते यहाँ हो। पर धुंध पड़ चुकी है और मौसम ख़राब हो रहा है, मेरे को लग रहा है दिन तक बारिश हो जाएगी। वैसे मैंने छाता डाल रखा है बैग में, छोटे वाला, बिल्कुल छोटा जैसा वो जो छाता होता है, तो वो मैंने इसलिए डाल लिया था क्योंकि शिमला के मौसम का कुछ पता नहीं होता कि कब यहाँ पर बारिश शुरू हो जाए। और यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो मेरे आगे तो काफ़ी बच्चे जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। और आगे मैं आपको एक और स्पॉट अभी दिखाऊंगा जहाँ पर वो शिव मंदिर वाला इंसिडेंट हुआ था, काफ़ी सैड न्यूज़ है, जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खोई है और दुख भी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन डेली उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। कल भी मैं देख रहा था तो पूरा लैंडस्लाइड आया, ऊपर पूरा रोड डैमेज है, बसेस यहाँ चल नहीं रही है जिसकी वजह से पैदल चलना पड़ रहा है। तो जब कभी बसेस स्टार्ट होंगी फिर तो मैं बस में ही आऊँगा, लेकिन बसेस अभी शुरू हुई नहीं है क्योंकि रोड आगे डैमेज है। छोटी गाड़ी जा रही है जैसे कि आप देख रहे हो, लेकिन बड़ी बसेस वगैरह नहीं जा रही कोई भी, तो पैदल आना पड़ेगा अभी स्टार्टिंग में 1-2 मिनट। तो जो भी HPU आ रहे हैं MSc करने या फिर कुछ भी आप डिग्री करने आ रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपको दे देता हूँ जो मेरा कल का रहा फर्स्ट डे का। तो काफ़ी अच्छे प्रोफेसर हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से बात कर रहे हैं। मतलब आप जैसे कॉलेज में आप पढ़ाई करके आए हो तो उससे यहाँ पर आपको मतलब डिफरेंट फील होगा। तो हमारे मन में भी डाउट थे, मेरे को भी लगा था कि टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, क्या पता नहीं क्या पूछेंगे, कैसे हम बात करेंगे उनसे, लेकिन टीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे से उन्होंने बात करी। मेरा कल जो फर्स्ट डे था तो मतलब समझा भी अच्छे से रहे हैं, पढ़ा भी अच्छे से रहे हैं। तो अगर आप HPU आ रहे हो और आपका है प्लान कि आपने HPU से MSc करनी है या कुछ भी MA करनी है, तो आपका बिल्कुल सही प्लान है, आप यहाँ से MSc और MA जो भी आप करना चाहते हो यहाँ कर सकते हो। MSc के लिए तो मैं स्पेशली बोलता हूँ कि HPU इज़ बेस्ट। मैं बेस्ट पहुँच चुका हूँ उस पॉइंट पर जहाँ पर शिव मंदिर वाला जो इंसिडेंट था वो हुआ था, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल यही वाला पॉइंट है जहाँ से ऊपर पूरा स्लाइड आ गया था और नीचे जो शिव मंदिर था वो नीचे चला गया था। तो अभी मैं आपको कैमरा टर्न करके भी पूरा दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पर बिल्कुल नीचे शिव मंदिर था जो कि नीचे चला गया था, इस सड़क से नीचे था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी वाला रोड है, क्या इसकी हालत हो चुकी है, और यहाँ से भी ऊपर से स्लाइड आया हुआ है। और मतलब ये कैमरा में इतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर असलियत में आप आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पता नहीं क्या तबाही हुई है, और तबाही हुई भी है, बहुत भयंकर तबाही हुई है। आप देख सकते हैं रोड की इस हालत को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा रोड बचा हुआ है जो कि बाइक्स और यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन बसेस के लिए अभी नहीं खुला है। तो जब बसेस खुलेंगी, अभी यहाँ से कोई प्राइवेट बसेस नीचे से जाती हैं, अब मेरे को आइडिया नहीं है कि ये वाला रोड कौन सा है, लेकिन जाती है और कहाँ वो छोड़ती है उसका मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ से अभी कोई भी बसेस वगैरह नहीं जा रहे। तो देख रहे हैं आप पूरा रोड यहाँ पर खत्म हो चुका है, थोड़ा धुंध में नहीं दिख रहा क्लियर, लेकिन यहाँ नीचे था वो जो एरिया जहाँ पर शिव मंदिर था, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऊपर से पूरा स्लाइड आया हुआ है ये पूरा। तो ये तो बाद में उन्होंने JCB से खोला हुआ है, पहले ये क्लोज हो चुका था पूरा। इस बार की जो बारिश थी वो हिमाचल के लिए तो बहुत ही खतरनाक रही है, मतलब तबाही तबाही हुई है सारी जगह पे। और ये देखो यहाँ से नीचे से कोई बस जा रही है प्राइवेट, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर, तो ये कोई नीचे से रास्ता है, इसका पता करना पड़ेगा कि ये बसेस कहाँ से जा रही है और कहाँ मतलब ये कहाँ तक इसमें जा सकते हैं। कल भी आ रहा था तो कल भी मैं देख रहा था कि इस तरह से यहाँ से नीचे से बसेस जा रही है, तो शायद ये कोई अल्टरनेट रोड निकाल रखा है जो कि नीचे से है कोई, मेरे को इसका आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ मेन रोड को जानता हूँ। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे बिल्कुल धुंध देख सकते हैं, कसौली फेल हो चुका है यहाँ पर धुंध के आगे, और यहाँ पर मतलब अलग ही व्यू हुआ है, एक तो डेंस फॉरेस्ट है पूरा, ऊपर से यहाँ पर सारे में धुंध। तो टाइम अगर मैं अभी आपको बता दूँ तो अभी टाइम हो चुका है 50 हो चुके हैं, और 43 पर मैंने स्टार्ट किया था बालूगंज से चलना, तो सिर्फ अभी मेरे को 7 मिनट हुए हैं चलते हुए, और थोड़ा सा बचा है, अब शायद 3-4 मिनट का रास्ता और बचा है। तो पूरा एग्जैक्ट मैं आपको टाइम भी बताऊंगा कि अगर आप पैदल वॉक करके आओगे तो कितना टाइम लगेगा। तो वैसे ठीक है वॉक करके आया करो, बस में मत आओ क्योंकि वॉक से थोड़े हम हेल्दी रहते हैं, ठीक रहते हैं, तो वॉक करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं भी अब यही सोचा कि वॉक करके आया करूँगा क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो यूनिवर्सिटी का गेट कर लिया है मैंने एंटर, और अगर मैं आपको अभी टाइम बताऊं तो अभी 9:56 हुए, 9:43 पर मैं ऊपर बालूगंज से चला था, तो टोटल मेरे को 13 मिनट लगे हैं यहाँ तक पहुँचने। 13 मिनट में आप पहुँच सकते हो यूनिवर्सिटी, और अब मेरे को जाना है MSc केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर भी क्लासेस किस तरह से चल रही है। तो ये है हमारा MSc केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और यहाँ से हमने एंटर करना है अंदर के लिए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो चुकी है मेरे को क्योंकि भाग भाग कर मैं थोड़ा आया हूँ, तो अगर आपको मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे क्योंकि मेरे को 13 मिनट लगे हैं, तो आप 2 मिनट एक्स्ट्रा मान कर चलो। और क्लास में पहुँचते पहुँचते यहाँ पर 9:58 हो चुके हैं, 2 मिनट अभी भी रहते हैं क्लास के लिए, तो मैं लेट ना हो जाऊँ कहीं ब्लॉग के चक्कर में। तो
फटाफट से पहुंचते हैं। 313 रूम है मेरा, जहां पर मेरी क्लासेस वगैरह लग रही है। थोड़ा बाहर में आ चुका हूँ और वहाँ पर सिर्फ 4 बच्चे हैं, इनके चौथा मैं, मतलब 3 ही बच्चे मेरे अलावा। तो आज भी बच्चे नहीं आए अभी तक, तो शायद मंडे से रेगुलर आ जाएंगे, लेकिन शायद अभी थोड़ी टाइम है, 1-2 मिनट बचे, तो शायद बच्चे आ जाएं। तो मैं अब हो चुका हूँ यूनिवर्सिटी से फ्री, और यहाँ पर ये बिल्कुल पीछे समर हिल है यूनिवर्सिटी का, जहाँ से आपको बसेस वगैरह मिलेगी। अगर आपने शिमला बस स्टैंड के लिए बसेस लेनी है या फिर कहीं के लिए भी बसेस लेनी, तो सारी बसेस यहीं पर ही रुकती है। लेकिन अभी तो रोड ब्लॉक है, तो जिसके कारण यहाँ बसेस नहीं है, ये सिर्फ HRTC वालों की टैक्सीज चली हुई है, तो बस तो कोई अभी आ नहीं रही है। तो काफ़ी अच्छा रहा दिन आज का, और क्लासेस लगी मेरी अभी। अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो अभी 12:45 हो रही हैं, 3 क्लासेस आज भी लगी, और एक सर ने तो बहुत ही ज़्यादा लंबा खींच दिया, जिसकी वजह से थोड़ी सी लेट हो गए, वरना पहले फ्री हो जाते। तो 3 क्लासेस टोटल लगी है, और कल से मंडे से बताया जा रहा है कि एक रेगुलर क्लासेस होंगी मंडे से, और प्रैक्टिकल भी हमारे शुरू हो जाएंगे। मतलब वो जो 10 से 5 वाला शेड्यूल था वो शुरू होने वाला है, और मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला। तो खैर जो भी है, चलो देखते हैं कि किस तरह से चलती है, और मैं प्रिपेयर हूँ उस शेड्यूल के लिए भी, करना पड़ेगा अब 2 साल यही शेड्यूल, क्योंकि प्रैक्टिकल्स कंटिन्यू रहेंगे और डेली होंगे, और सेकंड सैटरडे की भी कोई भी छुट्टी नहीं होगी हमें। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है पैदल चलना बालूगंज के लिए यहाँ से, और ये पीछे यूनिवर्सिटी वाला रोड। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैंपस है यूनिवर्सिटी का, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और पूरा कैंपस ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर कोई देख रहा है MSc केमिस्ट्री वाला जिसने करनी है, और अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जिसने एडमिशन ली है, तो आपको बता दूँ मैं तो मंडे से रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो आप मिस बिल्कुल भी मत करना, और प्रैक्टिकल भी मंडे से ही शुरू हो रहे हैं, इसलिए आप कोशिश करना कि मंडे से ही आप लोग सब आ जाओ और क्लासेस आपकी मिस ना हो। तो अब मैं भी चलता हूँ अपने घर की तरफ, जैसे चल ही रहा हूँ मैं, और थोड़ी देर में मैं पहुँच भी जाऊँगा घर, और उसके बाद मैंने फिर इस ब्लॉग की एडिटिंग भी करनी है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।